वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आरटी हब। आज के इस वीडियो में मैंने एक खाली वेस्ट ग्लास बॉटल है उसको डेकोरेट करने के लिए एक कपड़ा लिया है। कपड़े से डेकोरेट करेंगे इस पर। तो ये एक रेयॉन प्रिंटेड कपड़ा है, तो उसको देखिए मैंने ये इसकी लंबाई जहाँ तक लेनी है उतना लेके और राउंड में नाप के उस हिसाब से इसके नाप का मैंने कटिंग कर लिया। उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि यदि छोटा हो जाएगा तो फिर और एक जॉइन करना पड़ेगा, इसलिए यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो उसको कटिंग कर देंगे। इसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है कहीं तो उसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये है, इधर इतना ज़्यादा है। अब इसको मैं डायरेक्ट फेविकोल से लगाऊंगी क्योंकि कपड़ा थोड़ा थिक है, तो इसलिए उसमें ये चलेगा डायरेक्ट थोड़ा सा हल्का फेविकोल उसको मिला के इसमें लगाऊंगी। उसको पूरा जहाँ तक चिपकाना उस हिसाब से लगाया। अच्छे से सेट करके बस ये ध्यान रहे कि इसमें क्रश ना हो, सलवटे ना आए कपड़ा, और उसी तरह से बिल्कुल इसको और चिपक जाए, कहीं से भी अलग ना रहे। मतलब फेविकोल ऐसे लगाएं पूरे में कि कपड़ा पूरे में अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से करके पूरा पूरा हो गया। अब ये जो कपड़े के ऊपर कपड़ा ओवरलैप हुआ है ये देखिए इसकी कटिंग करनी है, यहाँ से एक्स्ट्रा है ये। ये अगर कुछ जल्दी करना है या अच्छा, तो ये देखिए हो गया प्रिंट। और अगर आप बस डेकपच करना है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो आप कपड़े से भी कर सकते हैं। ये कपड़ा है, ये आप यूज्ड कोई कुर्ती कुछ और भी कपड़ा ले सकते हैं। मैं आगे और करके दिखाऊंगी आपको किस तरह से, और एक बहुत सुंदर शोपीस बन के तैयार हो जाएगा जो गिफ्ट में देने में कहीं भी काम आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसको नीचे से जो पीसेस हैं उसको कट करके ओवरलैप करते हुए इसको चिपका देंगे। पूरा जो वेस्ट है उसको एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे, बाकी इसको नीचे पूरा चिपका दिया है मैंने। ये पूरा चिपका के फिर ये देखिए अच्छे से, जिससे तो इसको पूरा अच्छे से चिपका देंगे। उसके बाद मैं देखिए इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे क्योंकि नीचे रख के उसको कुछ करना है, तो अदरवाइज आप कर सकते हैं। तो इसका अब इसकी नीचे फिनिश हो गया, अब इसके ऊपर के कॉर्नर्स को वैसे ही करेंगे, थोड़ा कटिंग कर दूंगी। फ्रेंड्स ये बनके बहुत अच्छा तैयार होगा, वीडियो को लास्ट तक आप देखें पूरा, और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए इस तरह से आप देखिए इसको किस तरह से मैं लगाती हूँ, तो ये पूरा अच्छे से एक पर एक ओवरलैप करके, जिससे क्या सलवटे नहीं आएंगे, वो पूरा अच्छे से कपड़ा पकड़ लेगा, और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूंगी। कैची को मैंने तुरंत पोंछ के रख दिया है, अदरवाइज चिपका हुआ कुछ फेविकोल का चिप वाला रह जाएगा तो फिर बाद में कपड़ा नहीं कटिंग कर पाएगा, ये ख़राब हो जाएगी कैची। तो सीजर्स को थोड़ा केयर के साथ रखें। अभी मैं इस पर ये जूट की डोरी है जो, तो इसी इसमें एक कलर है, ये लेमन ग्रीन सा है और नियॉन कलर है,
तो वो देखिए उसे करूँगी मैं। ये डायरेक्ट फेविकॉल से इसको भी लगाऊंगी, हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा लगाना है, बिल्कुल बस लगाते ही वो पकड़ लेगा और सूख जाएगा। बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो पच पच होता रहेगा, खिसलता रहेगा, सूखने में टाइम लेगा। देखिए बहुत थोड़ा सा लगाना है, और इस तरह से इसको डोरी को ऊपर ही ऊपर करके इसको सेट हो जाए, तो उसको बिल्कुल एक रोल में घुमाते हुए पूरे ये नेक तक जहाँ तक कपड़ा है वहाँ तक उसको अच्छे से राउंड करके लगाऊंगी मैं। ये डोरी के कलर से बहुत मैच कर रहा है, ये देखिए। ये देखिए अभी और थोड़ा सा खूबसूरती आ गई, सुंदर लगने लगा है। जो भी कुछ करते हैं थोड़ा सुंदर दिखे तो उसको थोड़ा सा कुछ कर लें आप उसमें। ये देखिए सुंदर लग रही है, तैयार हो गई है बॉटल। अभी इसको थोड़ा सा इसमें ऊपर से मैं कोट करूँगी, थोड़ा सा फेविकॉल में पानी मिला के, और उसका एक ऊपर से कोट करूँगी अच्छे से। इसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऊपर से भी कहीं कुछ बच जाए अगर चिपकने से तो इसको कर देंगे, फिर उसको सूखने रख देंगे। ये सुखा के फिर इसको मैंने ये कलर कुछ बटन्स हैं इसको थोड़ा सा लगाऊंगी। कुछ दो कलर लिए हैं पिंक एंड ग्रीन, तो ये कुछ फ्लोरोसेंट से अच्छे दिख रहे हैं कलर, डोरी का भी और प्रिंट भी, और एक ओवरऑल हार्मनी सी बन रही है कलर्स की, सब मैच कर रहा है अच्छे से। तो ये कंट्रास्ट में जहाँ कुछ पीच सा कलर है वहाँ ग्रीन लगा दिया, या जहाँ कुछ लाइट ग्रीन या कुछ और कलर है वहाँ मैंने पिंक लगा दिया। इस तरह से दो कलर की बटन का यूज किए हैं, देखिए सूखने रख देंगे। सूखने के बाद फिर इस पर ये जो बटन्स लगे हैं सूख गया, उसके बाद इसमें मैं वार्निश करूँगी, जो ग्लॉस वार्निश है। तो ऑलरेडी ग्लॉस है कपड़े में, डोरी में, ये लगने के बाद बहुत सुंदर शाइनिंग आएगी, और एक बहुत ही अच्छा पीस बन के तैयार हुआ है मेरा। देखिए बहुत आसान है, बहुत कम खर्चे में, और बहुत अच्छी चीज़ बन के तैयार हुई है। ये किसी को भी आप गिफ्ट करेंगे, या अपन भी कहीं घर के कॉर्नर में अपने कहीं कोई कॉर्नर है सही वहाँ डेकोरेट करने के लिए लगा देंगे, तो ये बहुत सुंदर दिखती है। इसको सूखने के लिए रख देंगे, वार्निश को सूखने के बाद ये अब अच्छी तरह से पूरा शोपीस की तरह बॉटल तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।